good morning class in a previous video we have discussed the sentence assertive sentence positive sentence and negative sentence so today's video is about the interrogative sentence okay now we are talking about we are discussing about the interrogative sentence so first of all you have learned the spelling of interrogative I -N -T -E -r, r o g a t i v e एंड सेंटेंस ओके इंट्रोगेटिव मीन्स सेंटेंस मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य ठीक है बिल्कुल ही सिंपल है जो भी वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है क्वेश्चन मार्क ऐसा ठीक है जो भी कुछ सेंटेंस के लास्ट में ऐसा मार्क होगा इट मीन्स कि दैट इज द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है और ये तो इसका एक बेसिक है कि जिस भी सेंटेंस के पीछे आपका क्वेश्चन मार्क होगा वो सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे सो इफ यू नीड अ डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सो वी कैन से दीज सेंटेंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन Okay. ये सेंटेंस का यूज कब होता है जब हमें किसी से क्या करने होते हैं क्वेश्चंस करने होते हैं ठीक है दे आर पंक्चुएट विथ अ क्वेश्चन मार्क पंक्चुएट इट मीन्स कि लास्ट में इसके क्या लग जाता है क्वेश्चन मार्क लग जाता है ओके एंड दिस क्वेश्चन इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन हम कभी कभी पूछते हैं ना कि कि कोई भी वर्ड्स यू नेम, वेयर आर यू लीव ठीक है वेयर डू यू लीव एंड सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन सो दिस सेंटेंस इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन ठीक है एग्जाम्पल ले लें हु हम पूछते हैं हमें पूछना है यह पेन किसकी है तो हम कहते हैं हु स्पेन इज दिस डब्ल्यू एच ओ एस ई ठीक है हु पेन किसकी है वट इज योर नेम ये तो आपने सुना ही होगा बेसिक सेंटेंस है तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ठीक है और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं अब क्वेश्चन वर्ड क्या है क्वेश्चन वर्ड क्या है जिससे हमें पता लगे कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है जैसे हाव है वाई है वट है हु है ठीक है वेन है तो ये सारे जो आपके वर्ड होते हैं वो उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड ठीक है उनको क्या कहेंगे हम क्वेश्चन वर्ड तो ये क्या था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं क्वेश्चन करने के काम आते हैं प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनको हम क्या करते हैं प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमेशा इन सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है ठीक है और ये जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होते हैं अभी मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड कैसे हो गए जिनसे हमें पता लगता है कि हम क्वेश्चन बोल रहे हैं जैसे हाउ है ठीक है वैन है वाई है ठीक तो है तो हु है हुज है तो ये जो सेंटेंस है ये जो चीज़ें हैं ये क्या है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं ठीक है थीके? तो आप इसको क्या करेंगे कॉपी में करेंगे ठीक है और अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस सेंटेंस जो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ठीक है अब हम किसकी बात करते हैं एक्सप्रामेटरी सेंटेंस की बात करते हैं एक्सप्लामेटरी सेंटेंस मतलब द सेंटेंस शो सम सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट इट मीन्स कि जो सेंटेंस हमको क्या बताते हैं बहुत जो हमारे मन में फीलिंग्स है उनके बारे में बताते हैं जैसे फीलिंग्स क्या होती है सरप्राइज है फेयर है लव है एंगर है तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन हार्ट ठीक है ये क्या है ह्यूमन हार्ट की जो है फीलिंग्स है ना तो जब हम इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंस का यूज़ करते हैं ठीक है दी सेंटेंसेस शो सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट तो जो भी ये फीलिंग हम यूज़ करते हैं ये सेंटेंस आपके कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसकी भी एक अच्छी बात है कि इसके सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है और वो मार्क कैसा है एक लाइन और नीचे एक डॉट ठीक है इस मार्क को आप क्या कहेंगे एक्सप्लामेटरी मार्क कहेंगे और जब भी हम ये सेंटेंस बनाएंगे तो ये मार्क जो है वो पीछे सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा ओके okay? तो देखिए हमने अगर हमारे मन में सरप्राइज़ है हम किसी बहुत सुंदर फ्लावर को देख रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़ है ना कहते हैं ना हम सुंदर सा फूल देखें हम रोज देखें तो हमारे मन में आता है ना बहुत सरप्राइज होता है हमें कितना सुंदर फूल है तो हम क्या कह सकते हैं वट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़ ठीक है तो ये क्या है हमारे लिए सरप्राइज है अब हमें डर लग रही है एक फीलिंग है ना फेयर भी एक फीलिंग है तो हम क्या कहते हैं हाउ डार्क द नाइट इज सबसे पहली बात ये है कि बच अंधेरे से हमें डर लगता है है ना तो हाउ डार्क द नाइट इज़ ये अंधेरी कितनी रात है ठीक है लव है हाउ केयरिंग यू आर ठीक है आप कितने केयरिंग हो ये जो फीलिंग्स हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं एक्सपलमेटरी सेंटेंस का आपको यूज़ करना पड़ता है एंगर है हमें गुस्सा आ रहा है किसी को देख कर तो जो भी चीज़ें हैं ठीक है थीके? जैसे सेंटेंस हो सकते हैं शट योर माउथ ओके डोंट टॉक सो मच दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड द एंगर फीलिंग जैसे वट अ मिस फॉर्च्यून वट आर मिस फॉर्च्यून मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं ठीक है तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी आपकी एक्सप्लामेटरी सेंटेंस में आ जाएगी ओके नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस ठीक है नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस इट मीन्स जहाँ पर आपको ब्लैसिंग और कर्स वाली फीलिंग आती है ठीक है दिस फीलिंग्स शो सम डिजायर आपकी इच्छा ब्लैसिंग्स आशीर्वाद कर्स यानी कि श्राप ठीक है तो ऐसी फीलिंग्स जहाँ जो सेंटेंस में होती है वो आपके हो जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस ठीक है जैसे ब्लैसिंग्स है मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं ना तो एक ब्लैसिंग्स वाली फीलिंग है कर्स है मे यू गो टू हेल ठीक है तो ये जो जितनी भी हम यूज करते हैं ये सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इज इट क्लियर सो अब देखिए एक और आपका सेंटेंस बचता है जिसको आप कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस ठीक है आप क्या कहेंगे इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस सो द टाइप ऑफ सेंटेंस शो ऑर्डर और रिक्वेस्ट ठीक है अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है जो आपको क्या करें कोई अगर आपको ऑर्डर दे रहा है तो इट मीन्स वो कौन से सेंटेंस का यूज़ करेगा यस इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करेगा ठीक है अब क्या हो सकते हैं जैसे ऑर्डर है गो दियर है ना ब्रिंग सम वाटर ये चीज हो सकती है एग्जाम्पल है जैसे प्लीज प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी बॉदरिंग मतलब होता है परेशान करना ठीक है तो मुझे परेशान करना बंद करो स्टॉप टॉकिंग बोलना बंद करो ये तो आपने बहुत सुना होगा स्टॉप टॉकिंग है ना तो ये सारे क्या हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपके फिर देखिए ये हो गया ऑर्डर का अब रिक्वेस्ट है हम हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ गिव मी सम बुक्स तो जब हम प्लीज लगा देंगे सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट जब भी हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो हम कौन से सेंटेंस यूज करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे ओके okay? एडवाइस करनी है किसी को अगर हमने सलाह देनी है तो भी कौन से सेंटेंस यूज होंगे इम्पेरेटिव जैसे ओ भी योर पेरेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम ठीक है आपके बड़े आपको पे, पेरेंट्स टीचर ये सारे लोग क्या करते हैं एडवाइस करते हैं ना तो इट मीन्स ये कौन से ये सेंटेंस यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं ओके इज इट क्लियर तो आज हमने क्या सीखा हमने एक बार अगर प्री कैप लें तो हमने सबसे पहले क्या सीखा इंट्रोगेटिव सीखा हमने इसमें जाना कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग किस में होता है क्वेश्चन पूछने में होता है और इनके लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन मार्क आता है ये तो हम सबको पता लग गया होगा पता लग गया ना क्वेश्चन मार्क आता है और ये वाले सेंटेंस है ठीक है अब देखिए एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो सडन फीलिंग्स होती हैं ठीक है उसके बारे में अगर हमें शो करना है सरप्राइज़ है फेयर है लव है एंगर है ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बताना है तो इट मीन्स हमें कौन सा सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा एक्सप्लमेटरी यूज़ करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इट मीन्स कि जब हमें ब्लेसिंग्स करनी है कर्स करना है तो ये सारी फीलिंग्स किस में आ जाएंगी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में ठीक है आप इतना ध्यान रखिए कि, कि कौन से सेंटेंस में हम कौन सी वेलिंग्स का यूज़ करते हैं कौन सी टाइप का यूज़ करते हैं ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस ईजी सबसे है ना कि जब हमें क्या करना है ऑर्डर करना है रिक्वेस्ट करना है एडवाइस करना है तो हम क्या करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे ठीक है इससे पहले भी आपको होमवर्क दिया था कि जो उस दिन पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाए थे दस दस सेंटेंस बनाइए आप है ना तो बहुत ही कम बच्चों का पर्सनल मैसेज में मेरे को वर्क आया है तो अब ऐसा नहीं करेंगे जो भी काम कर रहे हैं सभी करेंगे और मुझे पर्सनल मैसेज में करेंगे ग्रुप में आप नहीं करेंगे ठीक है तो आज का काम क्या है आपका इन एक तो ये काम करना है और फिर टेंट सेंटेंस जो है जो भी आज पढ़ाया गया है उनके बारे में बनाने हैं ठीक है इंट्रोगेटिव है ठीक है इंट्रोगेटिव के बारे में बनाने हैं दस सेंटेंस टेंथ सेंटेंस एक्सलामीट्री फिर ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव चार सेंटेंस के आपको क्या करने हैं टेंथ सेंटेंस बनाने ओके okay?